चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के काले हिरण मामले में सलमान खान को 5 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस फैसले पर बॉलीवुड के सभी हस्तियां इसका पूर्ण तरीके से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को बॉलीवुड की क्वीन प्रीति जिंटा सलमान खान से मिलने जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंची। जी हां, इस दौरान प्रीति जिंटा ने मीडिया से दूरी बनाई रखी। आपको बता दें कि प्रीति जिंटा ने अपने सर पर एक लंबा सा हैट पहना हुआ था और कैमरे से बचकर सीधे जेल से निकलकर अपनी गाड़ी से होटल के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि सलमान खान को इस मामले में जोधपुर को सीजीए कोर्ट ने 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। उसके बाद शुक्रवार को सलमान खान के वकील की ओर से सेशंस कोर्ट में बेल के लिए आवेदन भी लगाया गया था, जिस पर कोर्ट ने शनिवार तक के लिए फैसला टाल दिया है। आपको बता दें कि सलमान खान की दोनों बहनें अलविदा और अर्पिता खान भी इस वक्त जोधपुर में ही मौजूद हैं। आपको बताते चले कि प्रीति जिंटा सलमान खान से मिलने के लिए एक सफेद रंग की हैट अपने सर पर पहनी हुई थी, जिससे उनका चेहरा छुपा हुआ था। जानकारी के मुताबिक प्रीति जिंटा ने लगभग आधे घंटे तक जेल में सलमान खान से बातचीत किया है। आपको बताते चले कि सलमान खान और प्रीति जिंटा बॉलीवुड में अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। दोनों ने कई 7 फिल्में भी की हैं और फिल्म सुपर डुपर हिट बॉक्स ऑफिस पर रही है। आपको बता दें कि प्रीति जिंटा जोधपुर सेंट्रल जेल में सलमान खान से मिलने वाली पहली सेलिब्रिटी है।